प्रश्नकर्ता पूछते ही रहते हैं और पूछते ही रहेंगे, किंतु आपने प्रशिक्षकों वाले प्रश्न आज कर लिया है, जिसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। कुपोषण से मनुष्य में धीरे 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 कमजोरी उत्पन्न होता रहता है, एवं आप ये भी जान लें कि कुपोषण के निदान में स्किन फोल्ड की मोटाई अवश्य नापी ही जाती है और इससे मनुष्य के शरीर के कुपोषण का पता चला दिया जाता है, तथा इसके लिए एक विशिष्ट प्रकार के कैलिपर का प्रयोग भी किया ही जाता है, एवं इस कैलिपर द्वारा स्किन फोल्ड का मेजरमेंट या माप लेते रहते हैं। आप ये भी जान लें कि मनुष्य के शरीर की कमजोरी का पता उसके शारीरिक क्षमता एवं शरीर में उत्पन्न होने वाली भिन्न भिन्न बीमारियों से भी पता लगा ही लिया जाता है। राजेंद्र जी, आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल चुका होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे सामने ही हैं। आप भेजते रहिए इसी तरह से अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को और जानिए हमसे उसका समाधान। आगे भी आप बने रहेंगे हमारे साथ, इसका पूरा विश्वास है। अपने मित्रों को भी उत्साहित करें, यदि उनके पास स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है या वो इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी हेल्थ डायरी को, तो हमारे कार्यक्रम से निश्चित रूप से वो जुड़े रहें। हमारा अगला सेगमेंट जो है, जिसकी प्रतीक्षा हमारे दर्शक भी कर रहे हैं, ये जो पेचीदगी वाले तमाम प्रश्न आपके सामने आए, अब उनको ये जानना है कि इन पेचीदगी वाले प्रश्नों में इस प्रश्नकर्ता का आप करते हैं सम्मान। देखिए, आज के इस एपिसोड में चयन किए गए दोनों ही प्रश्न बेहद सराहनीय है, एवं दोनों ही प्रश्नकर्ताओं के प्रश्नों से मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम को देख रहे लोगों को ज्ञान वर्धन अवश्य हुआ होगा। राजेंद्र जी एवं प्रेमलता जी का उत्साह वर्धन करते हुए इन दोनों लोगों को हेल्थ प्लस गिफ्ट हैम्पर भेजा जा रहा है, एवं मैं ये आशा भी करता हूँ, इनसे अपेक्षा भी रखता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार आप सब इस स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम हेल्थ प्लस से अवश्य जुड़े रहेंगे। प्रश्नकर्ताओं को और विशेष तौर से उनको जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है, उनको मैं देता हूँ ढेर सारी बधाई, और भविष्य में मैं भी इस बात की अपेक्षा रखूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और प्रश्नों का ये सिलसिला इस कार्यक्रम में यूं ही बना रहे। मैं तो चलता हूं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कार्यक्रम में अभी बाकी है छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें, जिससे आपको मिल सकती है हेल्थ प्लस की कुछ टिप्स। दर्शकों, ईश्वर द्वारा दिए हुए इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखना भी ईश्वर के पूजा से किसी भी तरह कम नहीं है। आप अपने सांसारिक जीवन में जिन जिन प्रकार के भोगों की कामना करते रहते हैं, वो सब आपके अपने अच्छे स्वास्थ्य से ही मिल सकता है। जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप निरोग हैं, तब तक आप हर चीजों का भरपूर आनंद ले सकते हैं। परंतु किन्हीं भी कारणों से, किन्हीं भी रोगों से यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का सांसारिक आनंद उठाने में अपने आप को वंचित ही पाएंगे। इसलिए मित्रों, अपने अच्छे स्वास्थ्य, स्वस्थ सबल एवं निरोग शरीर के लिए आपको मेरे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण परामर्श को अपने जीवन में अवश्य उतारने की चेष्टा करनी चाहिए। आप चटपटे, चाट, टिकिया, पानी बतासा, भेलपूरी इत्यादि इत्यादि चटकारा लेकर खाने वाली भोज्य पदार्थों की जगह उचित पोषण के लिए अति आवश्यक विटामिन एवं एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन को ही सेवन करते रहें, एवं
अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी ऐसा ही भोजन करने की सलाह देते रहे। किसी भी तरह के विटामिन या मिनरल्स की यदि कमी है तो आपके शरीर में तुरंत किसी न किसी रोग के रूप में अपने लक्षण प्रकट करती चली जाती है। मित्रों, इसलिए मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मिनरल्स और विटामिन्स की कमी को अपने शरीर में कभी भी न होने दें, क्योंकि पहले से ही बचाव के रूप में ऐसे पेय एवं भोज्य पदार्थ का सेवन करें जिससे आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती ही रहे और होती ही चली जाए। आजकल के आधुनिक युग में हम ये पाते हैं कि काल की अधिकता एवं समय की कमी के कारण अधिकांश महिलाएं एवं पुरुष अपने भोजन करने का समय निकाल ही नहीं पाते हैं और खाने का समय उन्हें निकलता ही नहीं है। आदत जब उनके लिए पुरानी हो जाती है तो उन्हें नियमित और समय से भोजन करने की आदत एकदम से छूटी जाती है और आप सब इसका असर इसी से समझ सकते हैं कि ऐसे पुरुष एवं महिलाओं को भूख की अत्यंत कमी यानी अरुचि या एनोरेक्सिया का शिकार धीरे 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 होना ही पड़ता है और देखा जाता है कि इन लोगों को खाने की इच्छा बनती ही नहीं है। मैं तो आप सभी से विशेषकर अपने कार्य में अति व्यस्त रहने वाले लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अति व्यस्तताओं के बीच भी भोजन करने के लिए कृपया थोड़ा समय अवश्य निकाल लें ताकि आपको खाना न खाने की आदत से छुटकारा मिल जाए। तनाव, मानसिक चिंता, उद्विग्नता, क्रोध, डर, अवसाद जैसे वैचारिक तथा मानसिक उत्पातों से बचने का भरपूर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जान लें कि इन मानसिक स्थितियों में किसी भी व्यक्ति में अरुचि यानी एनोरेक्सिया हो ही सकती है। मित्रों, आप अवश्य याद रखिए एवं गांठ बांध लें कि पृथ्वी की प्रत्येक समस्याओं का कोई न कोई समाधान अवश्य होता ही है। इसलिए आप सभी किसी भी समस्या को अपने चिंता, अपने अवसाद और अपने मानसिक क्लेश का कोई भी कारण न बनने दें। आजकल के नवयुवक एवं नवयुवतियों से मैं ये विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का नशा मनुष्य शरीर को मृत प्राय बनाने में सक्षम होता ही है। इसलिए मित्रों, पान, सुपारी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, दोहरा, जर्दा इत्यादि से प्रारंभ करके देसी कच्ची शराब, मदिरा, स्मैक, एलएसडी, मैंड्रेक्स, ब्राउन शुगर या अवसाद रोधी किसी भी औषधि का सेवन कदापि न करें और न करने की चेष्टा करें। यदि इन्हीं कारणों से आप अपने को इन नशाओं के लिए एकदम से मजबूर पाते हैं तो भी मैं आपसे अनुरोध अवश्य करता हूँ कि इसे धीरे 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 छोड़ने के प्रयास करते ही रहें। किसी भी रोग का सामान्य लक्षण मिलते ही उसे अनदेखा न करते हुए तत्काल किसी योग्य चिकित्सक से संपर्क कर लें ताकि आगे चलकर आपको किसी भयानक कष्ट, भयानक रोग का सामना न करना पड़े। ब्लड प्रेशर, शुगर और अपने शरीर का वजन यानी मोटापा इत्यादि की जांच नियमित रूप से करवाते रहें, क्योंकि मित्रों, यदि आप नियमित रूप से अपने शरीर की जांच करवाने में असफल होते हैं तो
तो यही लक्षण आपके लिए साइलेंट किलर की भी साबित हो ही सकता है। महिलाओं या पुरुष, बूढ़ा हो या नौजवान, सभी को प्रतिदिन नियमित रूप से कम 20 से 30 मिनट तक का समय अपने व्यायाम के लिए देना ही चाहिए एवं ये व्यायाम उस व्यक्ति या महिला के शरीर और स्वास्थ्य के अनुरूप अनुकूल होना ही चाहिए। जैसे अधेड़ावस्था एवं वृद्धावस्था के लोग कृपया कभी भी थकाऊ व्यायाम या बहुत अधिक मात्रा में व्यायाम न करें, अन्यथा उनके शरीर की परेशानियां बढ़ सकती हैं और व्यायाम से उनको लाभ के बजाय अतिशय कष्ट का सामना करना ही पड़ सकता है और दिन भर हो सकता है कि उन्हें काम करने की इच्छा न होती हो। भोजन में तेल, घी, चिकनाई की अशुद्धता ही सबसे अधिक नुकसानदायक होती है, इसलिए या तो उनकी शुद्धता को अच्छी तरह से परख लें या फिर क्यों न इनका सेवन ही एकदम से कम कर दें ताकि आपका शरीर स्वस्थ, सुडौल एवं ऊर्जावान बना रहे। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मल्टी विटामिन्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी या अन्य कोई एंटीऑक्सीडेंट का सेवन आवश्यक समझते हैं या किसी चिकित्सक द्वारा आपको बताया गया है तो कृपया तुरंत किसी अनुभवी चिकित्सक से ही सलाह लेने के पश्चात इनका सेवन करें, क्योंकि आपका चिकित्सक ही आपको सही सलाह दे सकता है कि ये विटामिन्स कितनी मात्रा में कितने दिनों तक लेते रहना चाहिए। क्योंकि मित्रों, आप ये भी जान लें कि यदि आप अपने अरुचि को दूर भगाने के लिए विटामिन्स की मात्रा की अधिकता कर देते हैं तो यही विटामिन्स आपके मूत्र मार्ग से बाहर निकलता चला जाता है एवं आपके पूरे शरीर पर एलर्जी या अन्य कोई कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर ही सकता है। इसलिए विटामिन्स या मल्टीविटामिन्स या एंटीऑक्सीडेंट्स लेते समय अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लेते रहें। मित्रों, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अनमोल होता है, इसलिए मैं डॉक्टर राम रतन बैनर्जी आप सबका एक शुभेच्छु और डॉक्टर मित्र होने के नाते आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने शरीर को आजीवन स्वस्थ रखें, रोग मुक्त रखें एवं सर्वथा तनाव मुक्त रखने की चेष्टा अवश्य करें। इससे आप जीवन का सही मायने में आनंद उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। यही आपके स्वस्थ जीवन का सूत्र है और इसी को आप आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीने की कला भी कह सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ सदैव रहेंगी। नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अभी आप देख रहे थे स्वास्थ्य जगत का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम हेल्थ प्लस। हेल्थ प्लस कार्यक्रम के अंतर्गत आज की जानकारी का विषय था एनोरेक्सिया अर्थात अरुचि। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर रामरतन बैनर्जी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। विषय होगा हृदय की धड़कन अर्थात पल्पिटेशन। जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद रहेंगे लीडिंग लीजेंड ऑफ होम्योपैथ डॉक्टर रामरतन बैनर्जी साहब। यह सब जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले रविवार रात 9 बजे का। और इजाजत दीजिए अपने होस्ट दोस्त संजय पति त्रिपाठी को। नमस्कार।